कैसे हैं आप लोग, और स्क्रीन पे देख रहे होंगे पिज्जा जो कि बहुत दिन के बाद खाने को मिला। मतलब बहुत दिन से नहीं खाए थे तो खाना मुझे उतना पसंद नहीं आया था, तो पिज्जा मंगवाया गया था, तो पिज्जा हम खा रहे और मीका इधर बिल चेक करा कि कितने का बिल है ना। तो रात का ये वीडियो, ये परसों का ये वीडियो थोड़ा सा क्लिप बचा हुआ था उसको हम ऐड कर दी, आज का नहीं है, ये एक दिन पहले का जो बेगूसराय में था ना उसी का ये वीडियो है पड़ा हुआ था, तो सोचे चलो इसी में डाल देते हैं। पिज्जा बहुत ही टेस्टी था और ये पिज्जा पूरा हम थोड़ा सा बस आर्या खाए थे और साधना जी को पसंद है नहीं, जीजू भी खाना खा लिए थे और मनीष भी पूरा ले लिया था खाना, ये खाना खाने के बाद आया था तो उस लोग का पेट भर गया था और ऊपर ऊपर मशरूम जो दिख रहा वो सारा मशरूम मैं निकाल दी और उसके बाद जो बच्चा कुछ के थोड़ा बहुत ही मशरूम था तो दिख ही रहा था, मिर्च और मशरूम एक जैसा ही कटा हुआ था लेकिन पता चला कि जो मशरूम था उसको हम फ्राई करके उसके बाद पता पका लिए तो वीडियो हो गया खत्म। तो कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीष की तारनिया। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और हम नहा के रेडी हो गए, ऐसे दिखने से भी लग रहा होगा कि नहा के हम बैठे हुए हैं कि नहा के नाश्ता कर लिए और थाली मेरा वहाँ पड़ा हुआ है, अभी हम नीचे रखने के लिए नहीं गए क्योंकि यहाँ पे सोच रहे थे थोड़ा शॉर्ट वीडियो, बस इंस्टाग्राम ऐसे ही चला रहे थे तो बोले नीचे जाएंगे, है ना, आपको क्या लगे नीचे जाएंगे तो थाली रख देंगे। तो जो भी है मेरा काम आज का कंप्लीट हो चुका है और 11 ही बज रहा है तो सोचे थोड़ा सा क्यों ना ब्लॉग भी शूट कर लिया जाए। और उसके बाद धूप निकला है आज, दो दिन से इतना ठंड मतलब बता रही, बहुत ज़्यादा कोहरा भी और ठंड भी बहुत ज़्यादा, आज तो धूप भी निकला है तो आज मौसम थोड़ा ठीक है। और न्यूज़ में जहाँ तक सुनने के लिए मौसम विभाग से मिला था कि आज और कल से भी ज़्यादा ठंड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आज मौसम ठीक है। तो कल हम बेगूसराय से आ गए थे, कल वाले भी मतलब परसों हम ब्लॉग डाले नहीं थे और परसों और कल का जो भी ब्लॉग था तो वो ब्लॉग हम कल अपलोड कर लिए, उसमें मेरे जीजू का डांस देख सकते हैं आप लोग, क्या गजब का डांस किए हैं, मतलब कि फुल मस्ती हुआ था उस टाइम। बस थोड़ा सा हम क्लिप बनाए, ज़्यादा मतलब दिखाए नहीं आप लोग, बस थोड़ा सा वो क्लिप होगा लास्ट में, आप लोग देखिएगा बहुत मजा आएगा। तो हम लोग कल शाम में वापस आ गए, तो आज हम सुबह से सोचे क्यों ना वीडियो मतलब बनाते हैं ताकि शाम तक अपलोड हम कर दें, क्योंकि बीच बीच में इधर से हो रहा है ना कि कहीं चले जाते हैं तो वीडियो हम नहीं अपलोड कर पाते हैं या नहीं बनाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। तो आज हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे जो कि मुझे बहुत दिन से लेना था लेकिन हम सोच रहे थे क्या करें कैसे उसको, मतलब क्या बोले दुकान वाले को कितना लेना है नहीं लेना है, तो फिर यहाँ से इंची टेप से मतलब नाप के उसके बाद लिए, तो थोड़ा सा अंदाज हम लोग को मिल गया अभी वो और आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ दिखाते हैं बेड के पीछे, क्या ना होता है ना कि कप जब भी रखते हैं तो उसका पता नहीं दाग लग जाता है कप के नीचे का, या जो भी दूध रखे एक पानी रखे दाग लग जाता है, तो उसके लिए हम ये ग्रीन घास लाए हैं, ये देखिए जो कि मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। और इसका थोड़ा सा यहाँ भी रख दिए कि यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखते हैं तो उसके लिए भी ये सही है ना। तो और आगे हम दिखाते हैं, और अनबारी के लिए जहाँ टीवी लगाए टीवी का तो वहाँ पे सोचे थे कुछ हम मतलब दिखाते हैं आप लोग को, आप लोग खुद समझ जाएंगे। तो ये देखिए ये है ग्रीन घास, ये सब हम लगा दिए हैं यहाँ पे। और अभी मतलब थोड़ा सा बताए ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कितना लेना है नहीं लेना है, तो अभी बस यहाँ पे और नीचे डाल देंगे, बाकी हमको इसमें भी पूरा में लगाना है। तो मनीष आज आएगा, मतलब अभी गया है मोकामा काम करने, बोला कि 2-3 घंटा भी लगेगा, अभी 11 बज गया पता नहीं 2-3 बजेगा और ये मोकामा में नहीं मिला, तो बेगूसराय हम जाएंगे ही, मतलब हम नहीं जाएंगे मनीष जाके लेके आ जाएगा। तो अब थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या हुआ ना, पेंट जो हो रखा था ना हमारे पूरा मतलब दाग दाग जैसा, और मीका भी कुछ कुछ लगा ही देता था तो ये लगा दिया, ये मुझे पसंद भी है, तो अभी आपको समझ में उतना नहीं आएगा, बाकी पहले से तो बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी पूरा जब लग जाएगा ना दीवार में फिर हम आपको दिखाएंगे, इतना मस्त लगता है ना, इस पर डेकोरेशन कर देंगे। और ये देखिए यहाँ फोटो वगैरह, यहाँ बुद्ध जी का ये लगा दिए, और ये क्या किया है, जहाँ से बनवाए थे इधर उसको लिखना था वेस्ट कपल इधर है, वो क्या किया उल्टा में ही लिख दिया, तो इसको हटा के हमको और फेविक्विक से पता नहीं ये फेविकॉल किससे चिपकाया, तो इसको निकाल के हमको इधर साइड करना है क्योंकि मेन इधर है, तो फिर इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। और ये हम बहुत दिन से रखे हुए थे, बहुत इसमें वजन भी है, ये वजन बहुत है इसमें, तो ये रख दिए। और इसमें लाइट भी जलता है, तो अभी हम फ़ोन चार्ज कर रहे थे इसलिए निकाल दिए थे, तो अच्छा खासा लाइट इसमें है, ये देखिए
क्या रात आई है। ये देखिए ग्रीन घास क्रॉस करते कितना मस्त दिखता है। और इधर है मनीष का सर्टिफिकेट रखा हुआ था, वो भी हम रख दिया। और ये मीका का डॉग है, ये बहुत अच्छा, मतलब अच्छा, ये हमको बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, ये देखिए, और मीका इसको देख के इसको पकड़ लेता है फटाक से। ये देखिए, मीका इसको देख के बहुत खुश हो जाता है, इसलिए हम इसको निकाल दिया। और ये तोड़ भी दिया है तो इसको टेप से हम चिपका दिए हैं, चलेबुल है ये। बस अभी इतना ही, बाकी अभी और आएगा तो दिखाएंगे। और ये जो नीचे लटका हुआ है ये हम पिन से, ये देखिए पिन इसमें लगा दिए हैं ताकि ये नीचे दिखे। ऐसे भी घास इतना बड़ा बड़ा रहता है कि दिखेगा ही नहीं, तो अभी हमको इसमें पूरा टीवी उतार के और इसमें करना है। पहले आ जाएगा, फिर आज रात में देखते हैं, नहीं तो फिर कल परसों जब भी होगा तो होगा। और बेड का भी मतलब पूरा देख सकते हैं आप दूर से कि कितना खूबसूरत लग रहा है बेड, है ना, ग्रीन ग्रीन लग गया, इससे हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। और गंदा भी नहीं हुआ, नहीं तो मतलब रूटीन था कि मतलब घर साफ करने से पहले ये सबको हमको पोछना पड़ता था, तो ये लग गया तो अब हमको मुझे नहीं लगता कि अब पोछना पड़ेगा। तो उसमें भी टीवी के पीछे हम लाइटिंग भी करेंगे, अब पिंक डाले या रेड डाले वो देखेंगे बाद में। तो लाइटिंग भी पीछे हमको करवाना है, तो ग्रीन घास पहले लग जाएगा उसके बाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। तो कैसा लगा आपको ये ग्रीन घास? मुझे तो, मुझे बहुत दिन से हम सोच रखे थे कि इसको लगाना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, वो तो बताए कि समझ में मुझे नहीं आ रहा। तो फिर कल गए थे मनीष को बोले, तो वो देख के अपना मतलब बताया उनको, तो बस दे दिए नाप के। तो अब समझ में आ गया कि इससे चार गुना ज़्यादा लेंगे तो पूरा दीवार मेरा आ जाएगा। तो अब देखते हैं, आज मनीष आता है शाम तक, अगर गया तो गया, नहीं तो फिर दूसरे दिन आ जाएगा। तो जब आएगा तो इसको पूरा डेकोरेट करके फिर हम आपको दिखाएंगे। और दो तीन चीज़ हम ऑर्डर भी किए हैं अभी, तो वो जब आ जाएगा तो फिर दिखाएंगे आपको। हो सकता है अच्छा नहीं लगे, तो अभी फालतू का किस लिए बोलना है ना, जब आ जाएगा अच्छा लगेगा तो फिर आप लोग को तो दिखाएंगे। तो ठीक है, हम चलते हैं अभी छत पर, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया और 12 मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। तो अभी चलते हैं हम छत पे, थोड़ा धूप का मजा लेते हैं। और मीका भी ऊपर ही गया मम्मी के साथ, तो हम भी जाते हैं अभी अकेले यहाँ बैठ के, क्या करेंगे, है ना। तो ऊपर जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद, देखते हैं मीका क्या कर रहा है। ऊपर हाथ दो, हाथ दो, जा जा, बोलो कुआ, क्या अफवाह चली गई? अब वहाँ एक कुर्सी लगा देंगे बेचारे।
बज रहे हैं 7 और मेरे साथ जितना बड़ा गलती हो गया हम बता नहीं सकते। बउआ का हम दलिया बना रहे थे जो कि मतलब मिक्सी में मतलब पहले घी में भून के उसके बाद ये देखिए पूरा गत्ता कर दिया मिक्सी पे मतलब घी में उसको पहले रेड एकदम बिल्कुल कर देते हैं भून के और उसके बाद मिक्सी में पाउडर बना देते हैं उसके बाद दूध में थोड़ा सा मतलब बॉयल करके उसको खिला देते थे। तो हम सोचे क्यों ना डब्बा में मतलब मिक्सी से निकाले और डब्बा में रख रहे थे जब तक हम इधर दूसरी बार हम इसमें मिक्सी में लेने के लिए आए और ये पीसा हुआ था यही वाला तो हम डब्बा में रख दिए और डब्बा का देखिए हाल पूरा पिचक गया। ये रख भी मतलब खराब भी नहीं हो रहा ये देखिए सेट था तो सेट से एक निकल गया अफसोस। अब इसको पहले ठंडा होने देते हैं हम फिर रखेंगे इसके कारण बर्बाद हो गया पूरा। बहुत अफसोस हो रहा है मेन डब्बा का नहीं सेट जब कुछ भी खराब हो जाता है ना तो अफसोस होता है क्या कर सकते हैं ना। इसको पहले ठंडा होने का वेट करते हैं जब ये ठंडा हो जाएगा तब जाके इसको फिर दूसरे से डब्बा में रखने तो वो भी पता चलेगा वो भी डब्बा चला गया मेरा। मिक्सी को कर देते हैं सब इसको फेंक देते हैं क्या करना फालतू का जब तब देखेंगे और कोई इसका कोई यूज ही नहीं है। हम सोच रहे थे इससे मार के इसको सीधा करेंगे लेकिन ये सीधा होने वाले में से नहीं था क्वालिटी अच्छा था इसका खराब हो गया कोई बात नहीं खाना तो बनाना है नहीं सत्तू रखा हुआ है सत्तू मतलब मिला के रख दिए सिर्फ जितना अभी तो हम चाउमीन खा लिए थे तो मम्मी भी छोला और मटर खा लिए तो दोनों के लिए बस खाना बना बाकी तो भोज है। तो मम्मी बोले हैं कि आटा थोड़ा सा गूंद लेते हैं 5-6 रोटी का बस और अगर खाने का मन किया तो फिर सत्तू रखा है और सेवई बना के भी रख दिए हैं तो खा लेंगे सत्तू पराठा बना के। बाकी अब हम किचन को ठीक करते हैं किचन बहुत बिगड़ गया तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कोई खास बड़ा है नहीं छोटा सा ही ब्लॉग है तो ब्लॉग को देखिएगा एंजॉय कीजिएगा लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय गुड नाइट टेक केयर।